आप थे एसीसी चीफ जब एशिया कप कैंसिल हो गया या एशियन क्रिकेट काउंसिल टूट गया। बीसीसीआई सबसे बड़ा बोर्ड जरूर हो लेकिन आप वर्ल्ड कप मैनेज नहीं कर सकते इस तरीके से। मेरा ये मानना है कि टेक्निकली जो इंडिया को ऑब्जेक्शन रही है राहुल उसमें इंडिया को भी नहीं होना चाहिए। डजन सेठी ने यह भी कह दिया कि भाई हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप हम बांग्लादेश में खेलेंगे। टेक्निकली आप आज कहते हो कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लो हमारा एशिया कप का, तो इसका मतलब क्या होगा? क्या वर्ल्ड कप खेलने बांग्लादेश जाओगे, विच इज नॉट पॉसिबल। सामनेग्रम एशिया कप को लेकर भारत की हरदर्मी अब ओडीआई वर्ल्ड कप पर भी अपने गहरे नकुश छोड़ना शुरू कर चुकी है। पाकिस्तान जितना बैंड हो सकता था क्रिकेट को बचाने के लिए, पाकिस्तान या दुनिया की नेशंस के लिए जो एक एंटरटेनमेंट का एक बड़ा जरिया है उसे बचाने के लिए पाकिस्तान उतना तो बैंड हो चुका है। और अब दुनिया में कोई पाकिस्तान के ऊपर ये उंगली नहीं उठा सकता कि पाकिस्तान ने क्रिकेट को या एशिया कप को बचाने के लिए कोई भी काम नहीं किया या ऐसे फैसले नहीं किए या फिर हठधर्मी पर अड़ा रहा। हाइब्रिड मॉडल जो पाकिस्तान ने पेश किया वो ऐन भारत की उमंगों के मुताबिक था कि हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहते, तो पाकिस्तान ने भी कहा ठीक है हम न्यूट्रल वेन्यू पे करवा देते हैं तुम्हारे मैचेस, बाकी मैचेस पाकिस्तान में होंगे। क्योंकि बाकी नेशंस तो पाकिस्तान आ रही हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, तो ये एशिया की जो छोटी क्रिकेटिंग नेशंस हैं इन्हें क्या प्रॉब्लम होनी है? पाकिस्तान में हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। पहले इस बात को मान लिया गया, फिर अब ये कहा गया कि हम ये भी नहीं मानते न्यूट्रल वेन्यू पर करवाया जाए। पैसों की लालच देकर बाकी बोर्ड्स को भी खरीदा जा चुका है। लेकिन भारत के वो सहाफी जो क्रिकेट लवर्स हैं वो इस सारे मामले को कैसे देखते हैं, आज की इस वीडियो में आपको वो भी बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि किस तरह बर्मला इस बात का इजहार किया जा रहा है, जय शाह को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि क्रिकेट को बचाने के लिए जो कि उसकी जिम्मेदारी थी एज अ एसीसी प्रेसिडेंट उसमें वो कामयाब होता दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि हठधर्मी और पैसे का लालच देकर दूसरी नेशंस को अपने साथ वो मिलाकर क्रिकेट को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। भारत के सहाफी आपस में लड़ते भिड़ते दिखाई दे रहे हैं जो आगे चलकर आपको दिखाएंगे भी, और उसकी चंद झलकियां आपने वीडियो के शुरू में भी देखी हैं जिसमें वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान एशिया कप में नहीं है तो हम मैचेस नहीं देखेंगे। ना सिर्फ हम नहीं देखेंगे बल्कि दुनिया की कोई भी नेशन पाकिस्तान के बगैर एशिया कप का तस्वीर ही नहीं कर सकती। क्या हम भारत और नेपाल का मैच देखेंगे, भारत और अफगानिस्तान का मैच देखेंगे? ब्रॉडकास्टर्स और जो स्पॉन्सर्स हैं वो किस तरह अट्रैक्ट किए जाएंगे? और पाकिस्तान जितना बैंड हो चुका था, जितना उसने क्रिकेट को बचाने के लिए एफर्ट्स की हैं उन्हें काबले तहसीन करार देते हुए जय शाह को भी अपनी जिद और अना को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब ये एशिया कप के ऊपर गहरे बादल छाए हुए हैं तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट वर्ल्ड कप पर भी पड़ेगा, क्योंकि उसके फौरन बाद वर्ल्ड कप है। और अगर वर्ल्ड कप में भी इस तरह की बातें होती हैं तो फिर दुनिया को क्या मैसेज जाएगा? और अगर आपने पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की तो उसका अफेक्ट पाकिस्तान आपको वर्ल्ड कप पर भी डालकर दिखाएगा, जिस बारे में नजम सेठी बर्मला गुज़श्ता दिनों भी इजहार कर चुके हैं। आप थे एसीसी चीफ जब एशिया कप कैंसिल हो गया या एशियन क्रिकेट काउंसिल टूट गया। बीसीसीआई सबसे बड़ा बोर्ड जरूर हो लेकिन आप वर्ल्ड कप मैनेज नहीं कर सकते इस तरीके से। मेरा ये मानना है कि टेक्निकली जो इंडिया को ऑब्जेक्शन रही है राहुल उसमें इंडिया को भी नहीं होना चाहिए। डजन सेठी ने यह भी कह दिया कि भाई हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप हम बांग्लादेश में खेलेंगे। टेक्निकली आप आज कहते हो कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लो हमारा एशिया कप का, तो इसका मतलब क्या होगा? क्या वर्ल्ड कप खेलने बांग्लादेश जाओगे, विच इज नॉट पॉसिबल। जो आपके रिश्तों में तरक्की थी, जो कि शायद टू एन एक्सटेंट एक ऐसे फॉर्मूला पे अराइव कर जाते जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी रह जाती, एशिया कप भी हो जाता। यह भी हकीकत है कि जय शाह चूंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड है, ही हैज टू सेव द एशिया कप। उनको एशिया कप को बचाना होगा भाई। वो भी नहीं चाहेंगे कि एक वक्त के बाद लोग कहें कि जी आप थे एसीसी चीफ जब एशिया कप कैंसिल हो गया या एशियन क्रिकेट काउंसिल टूट गया, तो ही वुड नेवर वांट दैट टू हैपन। बट द फैक्ट इज कि अब गाड़ी फंस गई है वो हाइब्रिड मॉडल। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल उस मीटिंग में कन्विंस करा पाएगा? एंड आई थिंक ऐसा तो नहीं मेरा मानना राहुल कि अगर बाकी बोर्ड्स अगर कहेंगे कि चलिए हाइब्रिड मॉडल पे खेलते हैं, सो कैन द एशियन क्रिकेट काउंसिल चीफ रूल इट आउट कि नहीं ऐसा नहीं होगा? एशियन नहीं, आई थिंक वही आप जो एक मिडिल पाथ आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि देखिए वो यूनिलैटरली कोई डिसीजन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। जब पाकिस्तान ये कह सकता है कि हम नहीं आएंगे एशिया कप आपके यहाँ, हम नहीं खेलेंगे, अगर आप ये प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट करते तो हम एशिया कप का पार्ट नहीं होंगे, बीसीसीआई भी कर सकता है। जय शाह इन हिज कैपेसिटी एज बोर्ड सेक्रेटरी वो ये भी कर सकते हैं, पर जय शाह के लिए ये भी देखना है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी वो संभाल रहे हैं, वो जैसा आपने कहा वो भी नहीं चाहेंगे। अब सिचुएशन कहां है, देखिए फंस आप कहां गए हैं कि पाकिस्तान बोल रहा है कि भाई चित भी मेरी और पट भी। और मेरा ये मानना है कि टेक्निकली जो इंडिया को ऑब्जेक्शन रही है राहुल उसमें इंडिया को भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज इंडिया की टीम वहां नहीं जा रही है, टूर्नामेंट वहां पर नहीं हो रहा है, और चार मैच हुए उसके बाद आप कहीं और चले गए, वहां तक वाजिब था। मुझे लगता है कि चार हाइब्रिड मैचों के अलावा सुपर फोर भी हो और रेवेन्यू को लेकर भी कुछ पेच है, आई थिंक वो सॉर्ट आउट होगा। मुझे अभी भी लगता है कि एशिया कप होगा,
कैसे होगा वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। बहुत बड़ा कंप्रोमाइज है, पाकिस्तान का कंप्रोमाइज कर रहा है ना वहां पर। अगर आपको कोई पूरे करना पड़ रहा है, होस्ट आपको दे रखा है और आपके मैचेस भी नहीं हो रहे, एक नेपाल वाला मैचेस आपको वहां पर मिल रहा है, तो कहने पाकिस्तान ज्यादा की माइक कंप्रोमाइज कर रहा हूँ वहां पर। और यहाँ पर एक ही जो भाई पता कॉम्प्रोमाइज तो दोनों तरफ से हो रहा है। अगर पाकिस्तान मना कर दे कि हम एशिया कप नहीं खेलते तो करवा लो भाई एशिया कप, पाकिस्तान के बिना कौन देख रहा है एशिया कप वहाँ पर, ये भी बड़ी बात है ना। अगर देश पाकिस्तान के बिना देखेंगे एशिया कप, कोई नहीं, कोई नहीं देखने वाला ना, आप रेवेन्यू आने वाला अफगानिस्तान नहीं आने वाला, आपके 80% रेवेन्यू आपका फर्क तो पड़ता है भैया, इंडिया को फर्क नहीं पड़ता है, एसीसी को फर्क अलग है, एसीसी को फर्क। अगर एशिया कप इंडिया नहीं होगा तो बहुत बड़ा फर्क होगा, और पाकिस्तान नहीं होगा तो फर्क पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान आप किसके मैच देखोगे, इंडिया अफगानिस्तान के इंडिया वर्ल्ड कप में भी सबसे बड़ा सेल आउट इंडिया जैसे नहीं फैक्ट। आप तो ये भी कहते हो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने होगा तो रेवेन्यू को बड़ा फायदा कुछ होता होगा, होगा होता फर्क पड़ता है, इंडिया को नहीं फर्क पड़ेगा भाई, टूर्नामेंट को फर्क पड़ेगा पड़ता वहां पर। अगर मैं वर्ल्ड कप में कह रहा हूँ पाकिस्तान ना हो तो कुछ ज्यादा फर्क हमें क्यों पड़ेगा, बात कर रहे हो एक इंडिया पाकिस्तान के मैच जो मेलबर्न में मैच हुआ है ना उसके पता है वो तो सब कुछ एडवर्टाइज होता है। अब नीड ऑफ द आवर हो गई है कि नहीं हो सकता, अलग बात होगा, अलग बात होगा, अलग बात होगा। पाकिस्तान ने ये कंसीडर करा था ना इसका, मैं पार्टी लेके अपनी सीरीज कराएंगे, ये कोनात कर लो जिम्बाब्वे से सीरीज। अरे मैं कह रहा हूं अगर जैसा होता ना बड़ा डिसीजन लेना होता ना जैसा पहले बोल देते नहीं आना, क्यों नहीं बोल पा रहे आईसीसी के नहीं ले सकते ना, मैं कह रहा हूं मैं आईसीसी को भी तो फर्क पड़ेगा, आईसीसी को भी तो फर्क पड़ेगा, इसे मैनेज किया जाए क्या, ये पहले मैं कह रहा हूँ आपके आईसीसी पागल है क्या, हर वर्ल्ड कप में इनके मैचेस क्यों रखेंगे। अरे वो तो रखेंगे, मैं कह रहा हूँ एशिया कप पे भी आपने क्यों नहीं कहा पता है, क्योंकि जैसा साहब बीसीसीआई अभी क्लेम नहीं दे सकती कि भाई पाकिस्तान यहाँ आए, क्योंकि वो आप कंसीडर नहीं कर सकते हाइब्रिड मॉडल के साथ, तो इसलिए आपको हम ही करनी पड़ेगी। आईसीसी के अध्यक्ष हो इतना बवाल चल रहा है, आपकी तरफ से स्टेटमेंट नहीं आ रही है, नजम सिट्टी अंदर आपको मजबूर हो ना, नजम सिट्टी और जेसा के अंदर खाने बातचीत कर ली, आपको पता है बीसीसीआई भी मजबूर है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट के साथ एशिया कप हो रहा है दैट्स द बेस्ट थिंग, इंडिया को मानना पड़ेगा क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए ये चीजें पॉसिबल नहीं है। अरे वो ये तो होना ही है, हो गए यार शुभेंदु भाई तो ऐसे में पाकिस्तान के पास अब कोई चारा नहीं बचता है सिवाय इसके कि पूरा का पूरा एशिया कप को ही बायकॉट करने का। मतलब लग ये रहा था कि दोनों देशों के बीच में शांति से बातें हो जाएंगी और कोई बीच का रास्ता जाके निकल जाएगा। अब ये लोग आप सोच रहे थे जो जो ये बात हम भी सोच रहे थे, आप भी सोच रहे थे, चलो बीच का रास्ता निकाला जाएगा। अब ये बीच का रास्ता नहीं है, या तो आ रहा है या फिर पार है, एशिया कप या तो होगा या फिर एशिया कप नहीं होगा। क्योंकि अगर पीसीबी को आप चार मैचेस उनके घर में नहीं कराने दोगे, पीसीबी जो है सीधे तौर पर जो धमकी दे रहे थे वो हकीकत आ जाएगा, बोलेगा भाई हम एशिया कप नहीं खेलेंगे।